अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरकान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डिजिटल दुनिया। दोस्तों, मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने बुधवार को ये फैसला लिया। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, आज की बैठक में खरीफ की 14 फसलों के लिए MSP बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल जो तय किया गया कि लागत प्लस 50%, उसे हमने लगातार आगे बढ़ाया है। किसान सम्मान निधि के तहत 2,00,000 करोड़ खाते में जा चुके हैं। फर्टिलाइजर पर 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि कृषि बजट भी बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपए का हो गया है। हमारी सरकार ने बाकी कई फसलों को भी MSP के दायरे में लेकर आई है। बीमा से सिंचाई तक हर कदम पर सस्तीकरण हुआ है। कृषि क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने MSP के दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई और उससे उनकी बिक्री भी बहुत हुई। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के फैसलों से किसानों की आय बढ़ी है, साथ ही किसानों को राहत भी मिली है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।